नमस्कार, MSTV.in में आपका स्वागत है। MP लाइव की खबरों के साथ मैं हूं आकाश, और खबरों की शुरुआत करते हैं अभी तक की हेडलाइंस के साथ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सागर जिले की मालथौन तहसील में ग्रामीण और स्कूली बच्चों से किया जनसंवाद। किसानों के खाते में राहत राशि 15 दिसंबर तक पहुंचाने की कही बात, तो किसी भी प्रकार की लापरवाही होने पर सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पन्ना जिले के जरधोवा में जनसंवाद में उपस्थित जन समुदाय को किया संबोधित। देवास के ग्राम जलालखेड़ी अंत्योदय मेले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 10 साल बेमिसाल पुस्तक का किया विमोचन। और गृह मंत्री बाबूलाल गौर ने रन भोपाल रन एक्सपो का किया शुभारंभ। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि टीकमगढ़ जिले के सूखा प्रभावित किसानों के लिए 93 करोड़ की राहत राशि एक सप्ताह में वितरित कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ग्राम जरधोवा में जनसंवाद में बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने उपस्थित ग्रामीणों से राज्य शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ली। उन्होंने वन भूमि में काबिज लोगों को वनाधिकार पट्टे देने और उनके विस्थापन के लिए कार्य योजना बनाने को कहा। मुख्यमंत्री ने जरधोबा में अगले सत्र से हाईस्कूल खोलने और चल रहे निर्माण कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। इस मौके पर पशुपालन मंत्री कुसुम महदेली और स्थानीय विधायक उपस्थित थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सूखा प्रभावित किसानों के बैंक खातों में राहत राशि 15 दिसंबर तक पहुंच जाए, ये सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान टीकमगढ़ जिले के ग्राम मुंबई में जनसंवाद में ग्रामीणों से चर्चा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सूखा प्रभावित किसानों को राहत राशि नियम अनुसार मिले, इसमें किसी भी लापरवाही को गंभीर माना जाएगा और संबंधित व्यक्ति पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने किसानों से कहा कि वे धैर्य रखें, संकट की इस घड़ी में प्रदेश सरकार उनके साथ है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सागर जिले के मालथौन तहसील में ग्रामीण और स्कूली बच्चों से जनसंवाद किया और कहा कि बालिकाओं को साइकिल की राशि देने की बजाय उन्हें साइकिल दी जाएगी। इस संबंध में योजना में बदलाव किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगले 10 दिन में सागर जिले में सूखा प्रभावित किसानों को 183 करोड़ की राहत राशि वितरित कर दी जाएगी। वहीं इस मौके पर परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह के साथ ही स्थानीय विधायक और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। बड़वानी जिले में मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद कुछ रोगियों को संक्रमण की समस्या होने और नेत्र रोग की स्थिति गंभीर हो जाने को राज्य शासन ने गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस संबंध में जानकारी मिलते ही लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की और सभी प्रभावित नेत्र रोगियों के बेहतर उपचार के निर्देश दिए। अभी इंदौर के श्री अरविंदो मेडिकल संस्थान में रोगियों को उपचार करवाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि नेत्र रोगियों के उपचार का समस्त व्यय राज्य शासन वहन करेगा। और जनसंपर्क मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा है कि नगर के चहुमुखी विकास में जनप्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि रीवा को साफ सुथरा और चमकदार, खुले में शौच से मुक्त और सुव्यवस्थित ट्रैफिक वाला नगर बनाने के लिए सभी जनप्रतिनिधियों को सहभागी बनना होगा। जनसंपर्क मंत्री राजेंद्र शुक्ल शुक्रवार को रीवा में परियोजना स्वर्ग की समीक्षा कर रहे थे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। EMS TV की बाकी खबरें आप EMS TV की वेबसाइट के साथ साथ एंड्रॉइड ऐप पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।